जय माता की। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों हमारे यहाँ नवरात्रि के दिन जवारे बोने की प्रथा है। 9 दिन जवारे बोने के बाद लोग सर पर रख के माता रानी के दरबार में ले जाया जाता है और उन्हें बड़े श्रद्धा भाव से अर्पित करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको बताती हूँ कि जवारे कैसे बोएं। जवारे बोने के लिए दोस्तों गेहूँ लेना है। गेहूँ को आपको, जौ के भी जवारे बोए जाते हैं, इन दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोग दोस्तों मैंने गेहूँ लिया है और गेहूँ को पानी में सोख करके डाला है। और अब हम लेते हैं मिट्टी। अब हम जो मिट्टी लेंगे अपने आम के पेड़ के नीचे की मैंने मिट्टी ली है। आप कहीं से भी ला सकते हैं, पर मिट्टी बहुत ही अच्छी सी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आप मार्केट से भी मिट्टी ला सकते हैं दोस्तों। मिट्टी लाने के बाद दोस्तों हम लोग को इसको छानना है। दोस्तों छानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। छानने से हमारे मिट्टी में जो भी कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं ना, वो निकल जाएंगे और एक सी मिट्टी हो जाएगी। तो मिट्टी को छान लें अच्छे से, बढ़िया साफ़ सुथरी मिट्टी लेके। तो इस तरह से छानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और अब इसके जो मोटे मोटे डीले हैं उसको भी अच्छे से कर लें, एक से हाथ से मसल के। तो इस तरह से जब मिट्टी देखेंगे तो आप देखो कितनी ही अच्छी एक भुरभुरी मिट्टी रेडी हो गई है। और अब ये मैंने लिया है उपला। दोस्तों ये कंडा है, ये गाय के गोबर का उपला है और इसको दोस्तों 2 साल पुराना है। इसको भी हमको इसका चूरा चाहिए। थोड़ा सा अगर हम इसकी खाद मिला देंगे तो हमारे जो जवारे हैं बहुत ही अच्छे से ग्रो होंगे। तो इस तरह से हमको अच्छे से छानना है। इस तरह से हम दोनों ही लेंगे, जिसमें दोस्तों इसमें मैंने एक पार्ट मिट्टी और एक पार्ट, 2 पार्ट मैंने मिट्टी ली है और 1 पार्ट मैंने खाद मिलाई है। इन मतलब इस तरह का रेशियो आप रखेंगे तो आपकी जो जवारे हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रो होंगे। अब चलिए मैं बताती हूँ कि मैं किस तरह से इसमें, ये मैंने एक कुंडा लिया हुआ है, ये दोस्तों कुमार के यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे मटके वगैरह मिलते हैं ना वहाँ पे ये चीज़ आपको आराम से मिल जाएगी। आप अपने मटके में भी बो सकते हैं, आप प्लास्टिक के उस किसी भी कंटेनर में बो सकते हैं। दोस्तों इस वाले जो उपले हैं इसको आप अच्छे से रोरी चंदन माता रानी का नाम लेके इसका तिलक करके मन में श्रद्धा भाव रख के ही आपको ज्वारी बोना चाहिए। तो इस तरह से आप इसमें हल्दी चंदन रोरी या स्वास्तिक जो भी आप बनाएं उसमें ज़रूर से ज़रूर इसमें तिलक करें कि इस पावन अवसर पर माता रानी जो हम काम कर रहे हैं, जो हम ज्वारे बो रहे हैं, वो अच्छे से हमारे ग्रो हों। और दोस्तों श्रद्धा की बात है और बहुत ही अच्छे से हमारे ज्वारे ग्रो भी होंगे। तो इस तरह से आपको मिट्टी इसमें डाल लेनी है। अच्छे से मिट्टी दोनों को, दोनों में ही अच्छे से भरना है। बड़े ही श्रद्धा भाव से आप अपना काम करेंगे तो बहुत ही अच्छे हरे भरे जवारे हमारे ग्रो होंगे। इसको अच्छे से डालें दोस्तों। 9 दिन तक इनकी सेवा की जाती है और 9वें दिन पर हम लोग इनका विसर्जन करते हैं। तो 9 दिन तक इनको हमको इनकी सेवा करते हैं, माता का दिवाला बिठाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो इस तरह आप एक एक अंगुल इसमें, थोड़ा सा खाली रहना चाहिए, फुल नहीं भरना है। और इसके बाद हमको पानी डालना है। पानी बहुत ही हल्के हल्के हाथों से डालें जिससे कि हमारी जो मिट्टी है वो बैठ जाए। पानी को आप स्प्रे की मदद से भी डाल सकते हैं या फिर आप हाथ से भी इस तरह से डालें। अच्छे से एक बार अच्छे से ही गीला कर दें। और अब चलिए दोस्तों इस तरह मैंने गीला कर दिया है और अब बोने की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 घंटे के लिए जो गेहूँ पानी में सोख करके रखा था वो इस तरह से हो गया है दोस्तों। और आप चाहो तो जौ के भी बो सकते हैं, ये है जौ, इसके भी जवारे बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो मैं इस बार गेहूं के जवारे बो रही हूं दोस्तों। तो गेहूं के भी जवारे बहुत ही अच्छे से हरे भरे उगते हैं। तो इसको हम पानी से छान लेंगे।
पानी इसका ड्रेन करना है, और ड्रेन करने के बाद दोस्तों इसको हमें क्या करना है, एक कॉटन के कपड़े पर हम इसको इस तरह से डाल देंगे, जैसे कि इसका जो पानी है दोस्तों पूरा ही अच्छे से इस कपड़े में सोख हो जाए, और पंखे के नीचे रख देंगे आधा घंटे के लिए। और इस तरह से ये देखिए कितने ही अच्छे से पानी इसका चला गया है। और अब हम इसको बोते हैं, माता रानी का नाम लेके जय माता रानी की जयकारा लगा के हम अपने जवारे बोते हैं दोस्तों। कहते हैं कि नवरात्रि में जवारे क्यों बोए जाते हैं, कहते हैं कि हमारे भारत में सबसे पहली फसल जौ की ही थी जो कि बोई गई थी, तो इसी दिन लिए ये श्रद्धा भाव से हमारे यहाँ जवारे बोए जाते हैं कि सबसे पहली फसल हमारे इंडिया में जौ की ही हुई थी, तो इसीलिए ये प्रथा चली आ रही है और हम सब लोग इस दिन जवारे बोते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अच्छे से जवारे खूब घने घने बो देना है, और इसके बाद इसके ऊपर से हमको एक पतली लेयर मिट्टी की डाल देनी है। पतली पतली लेयर डाल दें, ज़्यादा मोट मिट्टी से कवर ना करें, हल्की हल्की लेयर ही डालें, जिससे कि हमारे गेहूँ या जवारे दिखने नहीं चाहिए। थोड़ा सा इस तरह से हम डाल के अब पानी डाल देंगे, और हल्के हल्के हाथों से पानी स्प्रेड करेंगे, या आप स्प्रे की मदद से भी डाल सकते हैं, बस हल्के हल्के हाथों से ही डालना है। और हमें दोस्तों ज़्यादा पानी इनमें नहीं डालना है, आपको थोड़ा थोड़ा डालना है। अब इसको मैं एक दिन के लिए, मात्र एक या दो दिन के लिए ऐसे डलिया से ढकेंगे जिसमें होल हो दोस्तों। आप किसी भी प्लास्टिक के उससे ना ढाके, इसको आप ढाकने के लिए होल वाली डलिए से ही ढाकें। और ये देखिए दोस्तों मेरे दो दिन का ये रिजल्ट है, ये दो दिन के बाद मेरे जवारे आ गए हैं, बहुत ही अच्छे से ग्रो हुए हैं। तो ये दो दिन में ये हाल हो गया है मेरे जवारे का, बहुत ही अच्छे आए हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपको थोड़ा थोड़ा पानी फिर डालना है, हर रोज़ ही पानी डालना है दोस्तों इसमें, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से रोज़ इसमें पानी का स्प्रेड करें, पर बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल ना डालें। और ये देखिए चौथे दिन मेरे जवारी इस तरह से हुए हैं दोस्तों, और आज है मेरा चौथा दिन है और मैं इतना ही दिखाऊंगी, और नौवें दिन मेरे बहुत ही अच्छे होंगे। होप माता रानी अच्छे ही जवारे करेंगी। इस तरह से आप अपने घर में जवारे बोएं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना अपना।